आलिया भट्ट एंड सजल अली, ये थोड़ा सा ये टफ हो गया यार, ये तो दोनों के फेस कट भी देखो दोनों के सेम लग रहे हैं। हां भाई आई थिंक हे गाइस वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल, मैं हूं रेहान और मैं हूं साहिल। तो आज हम करने वाले हैं एक चैलेंज जिसमें बेसिकली इसमें हमारे सामने दो एक्ट्रेसेस होंगी और हम दोनों में से हमें गेस करना है कि किस एक्ट्रेस की एज जो है वो ज़्यादा है, और दो एक्ट्रेस वो एक इंडियन होगी और एक पाकिस्तानी होगी, तो उनमें से हमें गेस करना पड़ेगा कि कौन सी एक्ट्रेस की एज ज़्यादा है। वैसे हमें पता नहीं है कि कौन सी एक्ट्रेस की क्या एज है, तो हमें बाय फेस ही गेस करना पड़ेगा कि किसकी कितनी कौन सी एक्ट्रेस की एज ज़्यादा लग रही है। तो शुरू करते हैं भाई, हियर वी गो। Who is older? कौन है? कौन है बड़ी? बताओ तो सही। Okay, ये कौन? कृति सेनन एंड मावरा। कृति सेनन एंड मावरा, दोनों में से कौन इसकी एज ज्यादा लग रही है? मैं पॉज कर रहा हूँ क्योंकि इतनी जल्दी 10 सेकंड में गेस नहीं कर सकते भाई। अब मुझे देख के तो लग रहा है भाई कृति की एज थोड़ी ज्यादा होगी मावरा से। मुझे भी लग रहा है है ना, देखते हैं प्ले तो कर, मुझे तो लग रहा है। चलो तो प्ले करके चेक करते हैं किसकी एज ज्यादा है। मुझे हमको दोनों को लग रहा है कृति की एज ज्यादा होगी। कृति राइट, थोड़ी ज्यादा लग रही है कृति की ज्यादा है। 1990 एंड 1992, 2 साल का एज गैप है। चलो ज्यादा क्लोज है पर ज्यादा एज गैप नहीं है, ज्यादा एज गैप नहीं। कृति इज ओल्डर देन मावरा, सही है। चलो फर्स्ट वाला सही निकला। तो हानिया आमिर है एक साइड और एक साइड है अनन्या पांडे। अनन्या पांडे, आई थिंक मुझे अनन्या बच्ची लगती है। अनन्या छोटी हो गया, हानिया बड़ी है मेरे। हानिया बड़ी हो गया ना, क्योंकि अनन्या अभी अभी बॉलीवुड में आई और हानिया मुझे लगता है काफी टाइम से है। काफी टाइम से, तो मुझे भी यही लग रहा है। तो आई थिंक 3-4 साल से तो है ही, तो हम दोनों को लग रहा है हानिया है। और बाय लुक्स के हिसाब से भी बच्ची लग रही है। हाँ छोटी लगती है। हाँ भाई सही सही है भाई, सही है, सही जा रहे हैं अपन, बहुत सही जा रहे हैं। 1997 है, सिर्फ 1 साल का ही है, सिर्फ 1 साल का गैप। बट कृति, ये हानिया आमिर कितनी ज्यादा यंग यार, 1997 मतलब हमसे छोटी है। हाँ छोटी है, बच्ची। बट हम इतने ज्यादा बड़े हो गए, 1995 से हैं यार हम। आलिया भट्ट एंड सजल अली, ये थोड़ा सा टफ हो गया यार, ये तो दोनों के फेस कट भी देखो दोनों के सेम लग रहे हैं। हाँ भाई आई थिंक आलिया बड़ी होगी यार। नहीं नहीं बट सजल भी यार काफी यहाँ पे भाई कंफ्यूजन है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ यहाँ पे, पर मुझे स्टिल ऐसा लग रहा है कि आलिया बड़ी हो सकती है ना। बाय फेस भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि काम करते हैं। आलिया की फर्स्ट मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 11-12 में रिलीज हुई थी 2011-12 में। हाँ आलिया, और तब आलिया लॉजिकली 19 या 18 इयर्स की थी, तो अब लॉजिकल देखा जाए 10 साल हो चुके, तो 29 की हो गई होगी आराम से। और ये भी ये मुझे लगता नहीं इतनी ज़्यादा पुरानी है। चलो सजल अली, चलो आगे देखते हैं, पता चलेगा कि कौन ज़्यादा बड़ा है। अभी तक तो हम करेक्ट जा रहे हैं, आलिया बढ़िया करेक्ट है यार। एक साल का ही गैप है यार। अच्छा एक बात है, जो भी कंपटीशन हो रहा है उनमें ज्यादा गैपिंग नहीं है, इयर्स की गैपिंग हो, एक साल के ईयर। आलिया इज ओल्डर देन सजल, वो उन्होंने लिया ही ऐसे सेलिब्रिटीज को है ना, जिनमें थोड़ा लगे डाउटफुल हो, कंफ्यूज हो जाए ना, जिसमें हम श्रद्धा कपूर एंड यमुना जैदी। भाई यमुना जैदी का फेस कट कुछ ऐसा है ना कि वो अगर श्रद्धा से बड़ी भी होगी ना तो छोटी लगेगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रद्धा कपूर काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में है, यमुना जैदी भी काफ़ी टाइम से ना। यमुना जैदी तो मुझे श्रद्धा कपूर बड़ी लगी, मैं तो फेस पे जाऊंगा और फेस से ही कहूंगा। मुझे नहीं पता कौन कब से काम कर रहा है, बट हाँ श्रद्धा बाय फेस मुझे बड़ी लग रही है श्रद्धा कपूर। देखते हैं, बहुत सही जा रहा है आज तो बंदा। आजकल अपन कुछ ज़्यादा ही सही जा रहे हैं। एक गेस दम इमोजी से चैलेंज किया था, इमोजी से हमें ड्रामा पहचानना था, उसमें भी बहुत सही गए थे हम, कुछ ज़्यादा ही सही जा रहे हैं। चैलेंज करने में स्मार्ट हो गए अपन, थिंकिंग ब्रेन को थैंक यू बोलना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, उन्होंने अपने ब्रेन को सही कर दिया। ओ भाई माया अली एंड दिशा, ये भी बहुत करेक्ट कंपैरिजन इन्होंने लिया। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है भाई, दोनों के यार भाई लगे जुड़वा बहने खड़ी। अगर मैं बात करूँ बाय लुक्स तो मुझे लगता है दिशा ज्यादा यंग लग रही है। बाय लुक्स तो मुझे ऐसे ही लग रहा है, और
माया अली शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से ड्रामा इंडस्ट्री में आई हुई उससे है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लुक्स वाइज अगर देखा जाए तो वो यंग लग रही है दिशा, दिशा थोड़ी सी यंग ज्यादा, वैसे माया भी कम ज्यादा ओल्ड नहीं लग रही है, मतलब एक दो साल ओल्ड कोई नहीं लग रहा है, फेस एक दो साल की एज गैप लग रहा है, आप ऐसा मत समझना कि भाई एक को हम बच्चा समझ रहे, एक को हम बूढ़ा समझ रहे, ये गलती से भी सोच मत लेना। हाँ आई थिंक यार हमें एक तो डिसाइड करनी है, तो माया मेरे माया बड़ी है, माया बड़ी है हमारे ख्याल से, गलत भी हो सकते हैं हम इसमें, वैसे हम दोनों का जो डिसीजन जा रहा है एक ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई वो और सही भी जा रहा है। सही भी जा रहा है। अच्छा ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ दो तीन साल का फर्क है शायद ना, नहीं इसमें थोड़ा सा तीन साल का एज गैप, इसमें थोड़ा सा एज गैप था भी, सही लगा भी था मुझे, लग भी रहा है क्योंकि माया अली काफ़ी टाइम से है और दिशा अभी अभी आई है, बाकी फेस पे भी वो थोड़ा सा बचपना दिखता है दिशा के थोड़ा, और वही चीज़ अच्छी लगती है। आयजा खान है यार, ये तो दोनों सीनियर है यार, ये भी टफ है। हाँ क्योंकि आयजा को भी करीब करीब 10 से 15 साल हो चुके होंगे मुझे लगता है ड्रामा यार, दीपिका भी यार काफ़ी टाइम 2008 से दीपिका 7 से दीपिका आई है, बट मुझे ये लग रहा है कि आई थिंक मुझे लग रहा है दीपिका बड़ी बड़ी हो, फिर हम दोनों एक जगह पहुँच रहे हैं। हाँ तो यार सोच ही लिया तो फिर प्ले करो, आई थिंक वी थिंक दीपिका बड़ी हो सकती है। 2007 में आई थी, बट उससे पहले भी उन्होंने मॉडलिंग वगैरह किया, बैडमिंटन खेला है, तो फिर काफ़ी टाइम से है भाई। सही हम सेम जगह जा रहे हैं दोनों और सही भी जा रहे हैं दोनों। वो कितना बड़ा एज गैप है भाई, 5 साल का एज गैप है, बहुत बड़ा एज गैप है, 5 साल का एज गैप, बट दीपिका ने अच्छा मेंटेन किया, बराबर ही है दीपिका, दीपिका ने अच्छा मेंटेन किया, शी इज अमेजिंग यार, अभी भी स्टूडेंट का रोल निभा सकती है। इकरा एंड सारा खान, सारा तो बच्चे लगती है यार इकरा के सामने, मैं भी एक कहने वाला था तो आई थिंक इकरा। हाँ मुझे बिना टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम वेस्ट किए भाई इकरा जो है उनकी एज ज़्यादा है, गलत निकले भाई अपन, सारा की एज ज़्यादा है भाई, ओ भाई सारा से छोटी है, 2 साल का एज गैप है यार, मतलब हो गया ना वो तो सारा, बस इसमें गलत निकल गए हम यार, थोड़ी सी गलती हो रही है, सारा जो है लगता नहीं पर देख कर है ना, सारा बहुत यंग लगती है, सारा जो ओल्डर उनकी बातों से भी यंग लगती है ना यार। सो यार ये थोड़ा सा टफ था लास्ट वाला, ऐसा लगता है ना देख के क्या दिख रहा है कि शादी हो चुकी है और सारा खान अभी भी एकदम स्टार किड्स में आती है, स्टार किड्स किड्स में आती है, स्टार्स में नहीं आती है, सैफ अली खान सारा अली खान के पापा है, पर सैफ अली खान अभी भी काफी सारा अली खान की उम्र की बच्चियों के साथ काम कर रहे हैं। सो थोड़ा सा लगता है तो इसलिए हम उस हिसाब से हमारी थिंकिंग, बट सॉरी इकरा, थिंकिंग ब्रेन यहाँ हमारे साथ खेल गया, खेल गए, खेलिए भैया खेलिए, तो भाई ये चैलेंज, चैलेंज में मजा आया, मजा बहुत, एक गलत हुआ हमारा और वो बहुत ही गंदा वाला गलत हुआ है, मतलब और काफी अलग सा चैलेंज था ना ये, अभी तक हमने ऐसा चैलेंज नहीं किया ना कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, एज जरूर गैस की हमने कि एज गैस की एज कितनी है, बट हाँ ये नहीं देखा कि कौन किससे ज्यादा बड़ा है, तो ये बहुत अच्छा था यार, ऐसा और कोई चैलेंज तो सजेस्ट करना आप लोग, कुछ इंटरेस्टिंग सा। अच्छा इमोजी वाले में बहुत मजा आया था, आप लोगों को भी बहुत मजा आया था, मैंने कमेंट पढ़े थे, लेकिन हाँ। यार ऐसा कोई और इंटरेस्टिंग चैलेंज हो इमोजी का या फिर कोई फेस लुक या कुछ भी हो जो आप लोग चाहते हो सच में देखना, कमेंट पढ़ूंगा मैं, हम मतलब कमेंट पढ़ेंगे कि जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट हो उस पर हम रिएक्शन देंगे, तो थोड़ा कमेंट करके बताओ कौन से चैलेंज आप देखना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि यार प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। हाँ यार हमारे सब्सक्राइबर जो है ना वो सिर्फ सब्सक्राइबर है, फॉलोअर हमारे सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर नंबर्स को देखकर हमें शर्म आती है कि हमारे इंस्टाग्राम पे क्यों इतने कम फॉलोअर्स है, यार थोड़े तो फॉलोअर बढ़ जाए, मुझे लगता है हमें इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ कॉन्टेंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा तब जाके लोग आएंगे हमारे पास। क्या चाहिए भैया, ढेर रील्स बनाएंगे हम भी, मुझे ऐसा लगता है, तो फॉलो कर लो यार, फॉलो करो। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।